अनूपपुर जिले में गोरखपुर के भाजपा के लोकसभा सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार का आज चुनावी दौरा हुआ। रवि किशन ने अनूपपुर जिले की दो विधानसभा अनूपपुर और कोलमा विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया और भालू माड़ा के क्लब स्थित प्रांगण में जनता से भाजपा के प्रत्याशी बिसाहू लाल सिंह को जिताने के लिए समर्थन मांगा और कोतमा विधानसभा के लिए राजनगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिलीप जायसवाल के लिए जनता से समर्थन मांगा। अनूपपुर जिले में भालूमाड़ा क्लब हाउस में अपने उद्बोधन की शुरुआत एक नए अंदाज में की और कहा, कांग्रेस झंड या फिर भी कोने बात का घमंड, बाप भोजपुरी सुपरस्टार को देखने के लिए जमकर भीड़ इकट्ठी हुई। रवि किशन ने कहा कि मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, हमें भी करना चाहिए। अपने भाषण के दौरान रवि किशन ने कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसा। रवि किशन ने कहा कि 1.5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जमकर लूटा, कांग्रेस पार्टी के लोग चोर हैं, लुटेरे हैं। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। ऐसे मंत्री को हमने ये कहा कि हम माँ बाप बूढ़े होते हैं क्योंकि आप छोड़ देते हैं 6 बार में अगर हुआ है। हम देखे विरोधी लोग इनको कह रहे हैं कि कितना बड़ा पाप है कांग्रेसियों का, ये तो लुटेरे हैं, ये लुटेरे ऐसे ही सब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं क्या कांग्रेसी, चाहे तो लोग छोड़ देते हैं बुढ़ाने के बाद। हमारे ये अनुपुर की जनता एक एक इनके साथ खड़ी है और इनको जिता रही है। ऐतिहासिक वोटों से ये 17 तारीख को वोट में फिर यहाँ पर भाजपा का, मेरे मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का कमल खिले। आपको जनता का इतना प्यार मिला क्या? जिंदगी झंड बा कांग्रेसी कौने बात के घमंड बा। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।